हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एचएस 2022 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में बताऊँगा कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें इस नोटिफिकेशन की, 17 जून 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 14 जुलाई 2022, और फीस देने की भी लास्ट डेट रहेगी 14 जुलाई 2022। इसमें जो है एग्ज़ामिनेशन का नाम रहेगा एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन 2021। बात करें अब वैकेंसीज़ के बारे में, तो वैकेंसीज़ है यहाँ पे टोटल 29 वैकेंसीज़, और यहाँ पे सबसे पहले है एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 7 वैकेंसीज़, तहसीलदार 14 वैकेंसीज़, बीडीओ 5 वैकेंसीज़ और ट्रेजरी ऑफिसर की हैं यहाँ पे 3 वैकेंसीज़। कैंडिडेट जो है उसके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ अदर इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें बताया गया है कि किसी कैंडिडेट ने अपना जो डिग्री है उसके एग्ज़ामिनेशन दे दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट के बारे में उनको पता नहीं है, ऐसे कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि ऐसे क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो कमेंस हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन दे दिए हुए हैं, रिज़ल्ट अभी अवेट है और कमेंसमेंट जो एग्ज़ामिनेशन का होगा उससे पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, वैसे कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और जिन्होंने फाइनल प्रोफेशनल एमबीबीएस किया हुआ है या अदर कोई मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पास किया हुआ है लेकिन अभी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट उनके यूनिवर्सिटी से कि उन्होंने ये जो फाइनल प्रोफेशनल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है वो पास कर लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, 21 साल से लेके 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 1/1/1987 से लेके 2/1/2001 के बीच में होनी चाहिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। फीस जनरल कैटेगरी 400 रुपये, कैंडिडेट जो अदर स्टेट्स के हैं 400, रिजर्व कैटेगरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश 100 रुपये, एक्स सर्विसमैन ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड कोई भी फीस इसमें इनके लिए नहीं लगेगी। साथ ही साथ अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, देन मेन रिटन एग्जामिनेशन, देन पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होंगे जिसमें मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स रहेंगे इन सब्जेक्ट ऑफ जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर 1 की बात करें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जनरल स्टडीज़ कोड नंबर 1, इसमें 200 नंबर का पेपर होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सिलेबस इसमें रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस। पेपर 2 जो होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कोड नंबर 2, 200 नंबर, 100 क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इसमें जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके मिनिमम 33% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, ये पासिंग मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे इस एग्ज़ामिनेशन में, और इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे आपके टोटल, जो इसकी कट ऑफ आपकी निकाली जाएगी मेंस रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो फिर जो इसको क्लियर कर जाएंगे उनका होगा मेंस रिटन एग्ज़ामिनेशन। मेंस जो रिटन एग्ज़ामिनेशन में है उसमें है कंपलसरी सब्जेक्ट्स और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें भी जो है बताया गया है कि आपको
40% मार्क्स जो कंपलसरी पेपर होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश उनमें लाने होंगे, और 45% मार्क्स जो हैं एग्रीगेट यानी कि जितने भी पेपर होंगे एक इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के उनमें 45% मार्क्स जो हैं आपके एग्रीगेट होने चाहिए। कंपलसरी पेपर्स जो होते हैं, पेपर वन इंग्लिश 100 मार्क्स, टू हिंदी 100 मार्क्स, थ्री एसे 100 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ 1, 2 एंड 3 200, 200, 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो इस तरह से आपके ये 6 कंपलसरी पेपर्स होंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एक रहेगा जिसमें पेपर वन और पेपर टू जो है इसमें आपका कंडक्ट होगा 100 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके 8 टोटल पेपर जो हैं इसमें कंडक्ट किए जाएंगे, और इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू जो कि होगा आपका 150 नंबर का। तो इस तरह से आपकी ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी इस पेपर की। बाकी अगर आप सिलेबस, फुल सिलेबस जो है इसकी देखना चाहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन, तो आप HPPSC की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका जो इलेबोरेटेड सिलेबस है पूरी उसकी PDF जो है मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वहाँ से आपको सारी जानकारी जो इस PDF से आपको इसकी मिल जाएगी। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।